एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे आज। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें हमें गिवन था कि पहला स्टेप क्या था कि आप dy बाई dx को p पुट करेंगे। यहाँ गिवन इक्वेशन में फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन है, गिवन इक्वेशन ही p में है, तो सीधा हम सेकंड स्टेप पर चलेंगे। हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि हम p के लिए सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को। अब हम p के लिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से मैं p कॉमन निकाल सकती हूँ, तो p को कॉमन निकालेंगे। p इज इक्वल टू p इंटू p स्क्वायर प्लस 2x माइनस y स्क्वायर p माइनस 2x y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। p यहाँ पर मैं इस इक्वेशन के रूप निकालूंगी तो वो बनेंगे p प्लस 2x एंड p माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रूप निकालेंगे कैसे, उसका मेथड देखते हैं। p स्क्वायर प्लस 2x माइनस y स्क्वायर p माइनस 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसके रूप निकालते हो, बिल्कुल बेसिक मेथड यूज करेंगे। p के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम यूज करेंगे p इज इक्वल टू माइनस b। b क्या होता है हमारा, p का कोफिशियंट, ठीक है, डिग्री 1 का कोफिशियंट, दैट इज माइनस 2x माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है मेरा, 2x माइनस y स्क्वायर माइनस 4। a क्या है, 1। c क्या है, कांस्टेंट टर्म इंक्लूडिंग साइन, साइन को साथ में रखेंगे तो मेरा c हो जाएगा माइनस 2xy स्क्वायर, ठीक है, बाय 2। a क्या है, 1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस 2x माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस, इसका स्क्वायर खोलेंगे, सॉरी यहाँ स्क्वायर था, 2x b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इसका सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस y 4 माइनस 4xy स्क्वायर, और जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा प्लस 8xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगी तो ये सिर्फ बच जाएगा प्लस 4xy स्क्वायर, और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 2x प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और जब हम इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो मुझे पी के दो रूट मिलेंगे, माइनस 2x एंड y स्क्वायर। ठीक है, पी के मुझे दो रूट मिले हैं, माइनस 2x एंड y स्क्वायर। पी के मुझे दो रूट p इंटू पी प्लस 2x एंड p माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो p के लिए मुझे तीन वैल्यूज कौन कौन सी मिली, 0 माइनस 2x y स्क्वायर। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैं तीनों वैल्यूज को अलग अलग 0 के इक्वल लूंगी। p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू माइनस 2x एंड p इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, p इज इक्वल टू, p क्या था हमारा, dy बाई dx। अभी मैं p की जगह dy बाई dx यूज करूंगी, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x, dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को अलग अलग सोल्व करेंगे। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy इज इक्वल टू 0, और अगर आप इसे सोल्व करेंगे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू c। यहां पर मैं इसे सोल्व करूंगी, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहां पर ये इक्वेशन हो जाएगी dy by y square is equal to dx। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, ये y माइनस 2 dy is equal to dx, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by y is equal to x plus c, माइनस रहेगा यहाँ पर साथ में, तो मुझे y के लिए तीन वैल्यूज कौन कौन सी मिली है, y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस c, तो माइनस x स्क्वायर प्लस c और माइनस 1 बाई y इज इक्वल टू x प्लस c। इसे मैं y को उधर लेकर जाऊंगी तो मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी वाई। ठीक है, हम तीनों फंक्शंस में राइट हैंड साइड में जीरो लाएंगे, सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज y माइनस c इज इक्वल टू 0, y प्लस x स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हो जाएगी xy
प्लस सी वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या था? अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था कि इन तीनों फंक्शंस की प्रोडक्ट हमारी गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, y माइनस सी इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज आंसर। यस मैम। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, पुट डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी। डीवाई बाई डी एक्स को हम क्या पुट करेंगे, पी। तो देन मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी माइनस सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये इक्वेशन भी पी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप पी के लिए सोल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक मेथड से, माइनस बी माइनस बी, बी क्या है मेरा एक्स वाई, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, माइनस फोर ए, ए क्या है एक्स स्क्वेयर और सी क्या है माइनस सिक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है, बाय टू ए, ए क्या है एक्स स्क्वेयर। जब आप इस मेथड से सोल्व करेंगे तो मुझे p के लिए दो वैल्यूज मिलेंगी, माइनस थ्री वाई बाई एक्स और दूसरी मिलेगी टू वाई बाई एक्स, ठीक है। आप x को इधर भी ले जा सकते हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ मुझे px के लिए दो वैल्यूज मिली है, माइनस थ्री वाई एंड टू वाई। तो मेरी गिवन इक्वेशन के फैक्टर क्या हो जाएंगे, px प्लस थ्री वाई इंटू px माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या किया हमने, हमने डी वाई डी एक्स को पी पुट किया, पी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। पी एक्स के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पी एक्स में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ सकते हैं, या पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आप सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यूज आएंगी। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने पी एक्स के लिए सॉल्व कर रखा है, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस थ्री वाई एंड टू वाई। मेरे फैक्टर बनेंगे पी एक्स प्लस थ्री वाई इंटू पी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो।